अस्सलामु अलैकुम माय व्यूअर एंड माय सब्सक्राइबर, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नदीम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा इन्फो। तो आज मैं अपने भाइयों के लिए बहुत अच्छी एक कंट्री की अपडेट लेके आया हूँ। पाकिस्तान में इसकी वीज़ा सर्विस शुरू हुए 4-5 दिन हो गए हैं, तो अभी मुझे टाइम मिला है। मैंने दूसरी कंट्रियों की वीज़े अप्लाई किए थे, हासिल किए हैं, तो मैंने उन पर वीडियो बनाई थी। तो बहुत भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं कि नदीम भाई हमें अज़रबैजान का बताएं कि हम घर बैठ कर कैसे वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज अपने भाइयों को बताता हूं कि अज़रबैजान का वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं बिना एजेंट एम्बेसी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर। तो कोई इतने इसके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हर कोई आदमी प्रोवाइड कर सकता है अज़रबैजान का वीज़ा लेने के लिए। क्योंकि कुछ दूसरी कंट्रियाँ उनके लिए डॉक्यूमेंट्स थोड़े एडिशनल होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनके लिए अज़रबैजान के लिए आपके पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और एक आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो भी स्कैन। तो जो अज़रबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। ऐसे ही एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला कि नदीम भाई मेरा वीज़ा अप्लाई कर दो, तो मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया, तो ये 2 दिन में वीज़ा हमें मिल गया है। तो जो भी मेरे भाई ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कोई बड़ी कंट्री के लिए, तो आप अज़रबैजान का ट्रैवल कर लें, साथ में एक दो कंट्री और ऐड कर लें। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते, मलेशिया, थाईलैंड, ये कंट्रियों का आप ट्रैवल करके एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, तो फिर आप कोई भी बड़ी कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्यों? अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके के साथ मेंटेन हुई हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपका NTN, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपने टैक्स रिटर्न दी हो, तो फिर आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। और मैं जो आपको बोलता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो वो अक्सर वीज़ा जो भी बड़ी कंट्री है उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो वो यही बोलते हैं कि हम आप पे सेटिस्फाई नहीं है। तो जब एक हम उनको अपना प्रूफ देंगे कि हाँ जी हम कंट्रियों का ट्रैवल करते हैं, तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचती रहे। और जो मेरे भाई अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई करें। अगर आपको मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है तो मैं अपने भाइयों की हेल्प करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अथेंटिक वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम।